ड्रीम बीबी सर मैंने पहले पहले इस सर्वर पर कुछ रीजंस वैसे जो रीजन तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जरूर। एंड या जैसे कि मैंने सोचा था इस वीडियो को इस सर्वर के एडमिन ने एंड और इस स्टाफ ने देख लिया एंड रिजल्ट कुछ ये रहा। तो भाई एडमिन भाई तुझे सीरियसली लगता है अगर तूने मेरी पूरी वीडियो देखी होती ना तो भाई क्या ही बताऊँ, तुम्हें लगता है मैं सॉरी बोलूँगा सीरियसली? अभी मैं दिखाता है दिखाता है भाई, मैं कितनी बार कहा है बैन करके कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई, अभी दिखाता है मैं। इन लोग को लगता है ये मेरे को बैन कर देंगे भाई, मेरे पास अनलिमिटेड आइडिया है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। एंड मैं तुम लोग को लास्ट में ज़रूर बताऊँगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अभी देखो मेरा असली फायर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लो भाई मैं सर्वर में आ चुका हूँ बैन होने के बावजूद। सो अभी सबसे पहले बारी है इन लोगों को थोड़ा सा डराने की, तो ये लो यस आरपीजी बैग, सबकी पहले से ही फट चुकी है। एंड अभी मैं जाने वाला सबसे पहले अपने मैं कोऑर्डिनेट्स को ब्लर कर देना ताकि कोई कहीं ताकि एडमिन देख ना पाए। मैं पे अपना सीक्रेट बेस बनाया हुआ है, यहाँ से मैंने पोशन ले लिया, रनिंग पोशन ले लिया, मैं फटाक से अपने बेस पर गया एंड दे अपना पोशन उठा लिया। एंड उसके बाद असली हंगामा तो अब शुरू होगा मेरे भाई। तो फॉरवर्ड से मैं पहले सब कुछ अपना सेट वेट कर लेता हूँ पोजिशन वगैरह एंड उसके बाद चलते हैं स्पॉन पर उन सब की कुटाई करने के लिए। तो 3 2 1 अभी तो इन लोग की गंदी वाली बैंड बजने वाली है। सो अभी तुम लोग देखो मेरा बदला।
हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद का इंटरवल हो चुका है एंड अब बारे तुम लोगों को असली रीजन पता निकली कि मैं ये सब क्यों करता हूँ। इसके पीछे का मेनली तीन रीजन जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। वैसे मेरे कोई शौक नहीं सब करने का, ठीक है ना, मेरा खुद का सर्वर भी है, फिर भी ओके। रीजन नंबर वन, अब्यूजिंग। भाई यहाँ के बंदे इतने घटिया हैं, मतलब क्या है मैं बताऊँ। मैंने बहुत सारे, मैं कम से कम 6 महीने से मल्टीक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सर्वर देखे लेकिन भाई इससे मतलब ऐसा एब्यूजिंग वैसे मैंने आज तक नहीं देखा भाई। मतलब मैं पीपी में अच्छा हूँ, मैं और मैं जब भी मैं किसी पीपी करता हूँ, ठीक है, माई चांस वो बंदा हार भी गया, ठीक है, तो दूसरे लोग उसको चिढ़ाते या फिर मैं भी कभी ना कभी बोल देता हूँ हाँ हाँ यू लूज। सो भाई उसने में ये लोग स्टार्ट होता है अब्यूजिंग करना। पहला रीज़न तो ये हो गया। रीज़न नंबर टू ये है कि जैसे कि एडमिन है या फिर स्टाफ है, तो भाई इस सर्वर में इक्वालिटी मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर कोई न्यू प्लेयर है, ठीक है ना, उसे मतलब आते ही मतलब मार दिया जाता है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई। न्यू प्लेयर आता है उसे तुरंत ही मार देते हैं ये लोग, एंड एडमिन और स्टाफ वो गन मतलब फालतू प्लेयर के साथ ही रहते हैं हमेशा, एडमिन और स्टाफ, और पता नहीं एडमिन कौन सा गंजा फूक के बैठा होता है, मतलब बेफालतू। मतलब जो प्लेयर मेहनत करते हैं, जो खुद का अपना घर बनाते हैं, उनको स्टाफ नहीं बनाएगा, जबकि कोई जो फालतू है जो उनके पीछे पैर पूछेंगे उन्हें स्टाफ बनाएगा, ठीक है। ये रीज़न तो उतना नहीं, फिर भी लेकिन फर्स्ट रीज़न मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड तीसरा रीज़न ये, पीपी में 5v1 4v1। भाई मतलब पीपी में अगर तुम लोग किसी को हराते हो तो इनको टीम अप करके 2-3 बंदे ले जाएगा मारने के लिए, तब भी कमाल तुम लोग हरा भी दिए तो वो 4-5 5v1 करने आ जाएगा। भाई 5v1 कौन सर्वाइव कर पाता है, मतलब ऐसे ऐसे सुंदर बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। तब भाई मैंने सोच लिया इन लोग ऐसे छोड़ने वाले तो मैं हूँ नहीं, तब भी मैंने सोच लिया 5v1 करना है, आओ करते हैं। 1v1 2v1 तक चलेगा, 2v1 तक मैं खुद से कर लूँगा, लेकिन रही बात 3v1 4v1 5v1 इनफैक्ट 6v1 ये करने के बाद आती है, भाई मैं पोशन बनाने मजबूर हो गया। एंड एडमिन भाई मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ, चाहते हो देखो मैं चाहता तो आपका सर्वर 2 मिनट में उड़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे से बिल्कुल बहुत सा सर्वर है भाई, अच्छा है भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग आते भी हैं, पॉपुलर भी है, चाहता नहीं हूँ उड़ाना। सो या आई होप तुम लोग को तुम क्रेजी मैन है, यस एडमिन का नाम क्रेजी मैन, तो भाई आई होप हिंदी समझ आ रही होगी तो अच्छी बात है। और तुम लगता है कि तुम लोग तुम मेरे को बैन कर दोगे, तुम इस वीडियो में देख चुके हो भाई, बैन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जब मन जाए दूसरे नाम से आकर अपने सारे बेसिस से वापस सामान ले सकता हूँ, और तुम लोग को बताने की ज़रूरत है नहीं। सो या सब कुछ सुधार लो, ठीक है। एंड और तुम्हें बस बहुत कुछ है बोलने को, बट मैं अभी नहीं बोलूँगा। एंड या वन मोर थिंग, मैं तुम लोग को ज़रूर बताऊंगा कभी ना कभी कि भाई मैं पोशन किस तरीके से बनाता हूँ, फुल ट्यूटोरियल डिटेल वीडियो में किस तरीके से हर एक चीज़ करता हूँ, बट अभी मैं बता इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे लिए भी खतरा है, अगर मैं बता दूंगा तो भाई एडमिन उस चीज़ को करने से मुझे पक्का रोकने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैं सब बताया अभी के लिए मैं नहीं बता सकता। जब मैं सब करना छोड़ दूंगा तब मैं बताऊंगा मैं ऐसे कैसे करता था, मैंने पोशन कैसे बनाया, ठीक है। और फिलहाल एक चीज़ और, मैंने अपना खुद का सर्वर भी भाई रीबिल्ड कर लिया है, वो सर्वर मेरा पहले भी था, मेरा सर्वर पहले भी बहुत अच्छा चलता था, बट अभी मैंने उसे रीबिल्ड किया है, रियल लाइफ पीपी सर्वर, उसका कोड तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, ठीक है, जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मस्त सर्वर है। ओके सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, इसके बाद तुम लोग किसी को भी हर्ट मत करना, एंड या जो भी सुने वो है सच तो है, बट या उतना भी सीरियस मत लेना, मैं उतना सीरियस नहीं बोला, फिर भी एडमिन भाई इस चीज़ को थोड़ा सुधारो। एंड या मैं तुम्हें उसमें लिखा एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग वन ब्लॉक सीरीज, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम लोगों ने वन ब्लॉक वाली सीरीज पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एंड उसका पार्ट टू मैं जल्दी ले आऊँगा, पर अभी मैं थोड़ा बिजी भी हूँ। सो या तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।